देखिए यहाँ जो मूल ओट थे बहन जी के जी, इनको यहाँ पे भ्रमित किया गया है। इन जो पार्टी इस समय सत्ता में है उनका केवल काम है भ्रमित करना, और ना विकास काम कर रहे हैं वो लोग, ना ही रोजगार पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो काम। देखिए 5 किलो राशन और सिलेंडर जो दिया गया है कि हमारे समाज को कहीं ना कहीं विकलांग बनाने का काम किया जा रहा है। बात यह है कि ईवीएम मशीन जब तक रहेगी तब तक हमारा वोट परसेंटेज नहीं बढ़ेगा। अगर हिम्मत हो तो ये बैलेट बॉक्स से करावें और ईवीएम को हटा दीजिए। ईवीएम जब तक रहेगी तब तक हमारा परसेंटेज जो है नहीं बढ़ेगा। ये भाजपा सरकार सीधा हम लोगों को विकलांग बनाने का काम किया है। पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं सतीश कांत। मौजूदगी हमारी इस समय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पार्क के अंदर है, और यहां पर आपको बता दें तमाम लोग उत्तर प्रदेश के तमाम कोनों से आए हुए हैं। आज भीमराव अंबेडकर जी की जयंती भी है, तमाम लोग हैं, सभी से बात करेंगे जयंती कैसे मना रहे हैं। और दूसरी बात, नगर निकाय चुनाव भी सिर पर हैं, 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 1 साल है, तो सभी मुद्दों पर बात होगी यहाँ पर लोगों से, और जानेंगे कि सबसे बड़े लीडर जो मायावती जी थी दलितों की, उनको पसंद कर रहे हैं या फिर कन्वर्ट हुए हैं कहीं पर, सारे मुद्दों पर बात होगी कि करके सभी से। आइए सभी से शुरुआत करते हैं, सबसे पहले भाई आप ही से बात करते हैं, नाम क्या आपका? विजय चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं? यही लखनऊ जानकीपुर में। लखनऊ के ही हैं। आज जयंती कैसे मना रहे हैं? आज जयंती हम लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। सुबह यहाँ है, हमारे घर पे भी बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पे भी, वहाँ 132वीं जयंती हम लोग आज मना रहे हैं। लगभग शुरू से ही हम लोग बहुत धूमधाम से इसको मनाते हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। हमारे मसीहा रहे डॉक्टर भीम साहब अम्बेडकर साहब। अच्छा एक बात कर लें, 2024 में भी चुनाव है और निकाय चुनाव भी है, दोनों के लेकर के क्या सोच रहे हैं? निकाय चुनाव में हम बता देंगे कि आगे क्या होने वाला है 24 में। निकाय चुनाव में इसका ट्रेलर आने वाला है, यहाँ पे बाबा साहब के मुद्दों पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। अच्छा मुद्दों पे ही चुनाव लड़ा है। 2022 के चुनाव जो हुआ, यह हमारा जो चुनाव था इसमें भी देखा गया मायावती क्लीन स्वीप हो गए, एक वो जो विधायक जी जो आए भी वो अपनी हैसियत से जीते, तो क्या वजह रही, इसको क्या मानते हैं आप? देखिए यहाँ जो मूल वोट थे बहन जी के जी, इनको यहाँ पे भ्रमित किया गया। इन जो पार्टी इस समय सत्ता में है उनका केवल काम है भ्रमित करना, और ना विकास काम कर रहे हैं वो लोग, ना ही रोजगार पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो काम है। आने वाली सरकार बहन जी की होगी जिसमें रोजगार और ये सॉरी। अच्छा एक बात और कर लें, क्या मायावती जी का जो कोर वोटर था वो क्या किसी और पार्टी में शिफ्ट हुआ है या नहीं शिफ्ट हुआ है? ना, थोड़ा बहुत 20% शिफ्ट हुआ है, बाकी मेरा पूरा वोट अभी भी मैं बहन जी के पास ही है। जो 20% जो शिफ्ट हुआ वो किधर शिफ्ट हुआ मानते हैं? वो कई पार्टियों में, सपा में शिफ्ट हुआ, भाजपा में शिफ्ट हुआ, कई जगह गया है वो, मतलब वो बिथर गया है। बिथर गया है। अच्छा आपसे भी दादा बात कर ले, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील कुमार गौतम। आज सुबह से क्या क्या किया? तो त्यौहार है, आज समझ लीजिए एक तरीके से आपका ही दिन है। जी बिल्कुल। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिले कि आज हमारे उस महामानव का जन्मदिन है जिनकी वजह से हमारा आज बहुजन समाज चैन से अमन से खुशियां मना रहा है, और भारत ही नहीं पूरा विश्व आज सबसे बड़ी जयंती मनाई जाती है पूरे भारतवर्ष में। अच्छा एक बात और कर लें, ये जिस पार्क में है मायावती जी की देन है, ठीक है, दूसरी बात कर लें 2022 का चुनाव, 2022 के चुनाव में भी देखा क्लीन स्वीप हुआ, तो जो कोर वोटर था मायावती जी का वो कहीं शिफ्ट हुआ है या आज भी मायावती जी के साथ में ही है? देखिए कहीं ना कहीं 20% तो शिफ्ट हुआ है, बाकी 80% आज भी बहन जी के इशारे पे चलता है और माननीय बहन जी के दिशा निर्देश को पालन करता है। आने वाले 2024 में बहन जी की सरकार बनेगी, इसमें कोई रोक नहीं सकता, वही विकल्प है, वही विकल्प है। अच्छा एक बात और कर ले, कहा जाता है जो राशन का मुद्दा था, जो सिलेंडर दिए गए, शौचालय दिए गए, आवास दिए गए, इस कारण से जो दलित वोट बैंक था वो शिफ्ट होकर के भाजपा की तरफ गया है, क्या ये सच है? देखिए 5 किलो राशन और सिलेंडर जो दिया गया है ये हमारे समाज को कहीं ना कहीं विकलांग बनाने का काम किया जा रहा है। हमको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, और ये भाजपा सरकार सीधा हम लोगों को विकलांग बनाने का काम किया है। अब माननीय बहन जी की सबकी आशा है कि माननीय बहन जी आएंगी तो सबको शिक्षा रोजगार और हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराएंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम उत्तर प्रदेश मऊ जिला के रहने वाले हैं। मऊ से आए हैं जी। आप भैया आप कहाँ के रहने वाले हो? हम भी मऊ के रहने वाले हैं। मऊ के रहने वाले हो, क्या नाम है आपका? सतीश चंद। पूरा नाम क्या लिखते हो? सतीश चंद भारती। अच्छा सतीश चंद भारती जी, आज आपका एक बड़ा त्यौहार भी है, त्यौहार पहले बता दी कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत अच्छा होता रहे, अच्छा लग रहा है जी। तमाम लोग बाहर बाहर से आ रहे, क्या बातें हो रही हैं आप लोग के बीच में? जी यही हो रही है कि यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, बातें ये हो रही कि चुनाव उनाव जो 24 का है
उमावती की तरफ जाएगा, ये भी बात हो रही है इसमें जयंती में जी। अच्छा, ये जो कोर वोटर था मायावती जी का, सबसे बड़ा दलित वोट बैंक अगर माना जाता है तो मायावती जी का ही माना जाता है जी। क्या वो कहीं शिफ्ट हो रहा है? जिसकी पूरी जानकारी नहीं है कहीं शिफ्ट हो रहा है कि नहीं, पर जो सरकार जो चल रही है सर अच्छी नहीं चल रही है। ये अच्छी नहीं है जी? नहीं। दिक्कतें क्या क्या हुई इसमें? सर दिक्कतें बहुत हैं। बात करते हैं राशन देने की, बात करते हैं आप लोग को आवाज़ देने की, बात करते हैं कि कानून व्यवस्था सब कुछ एकदम दुरुस्त है, क्या ये सब है? सर गुमराह सिर्फ करते हैं, सिर्फ गुमराह कर जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 24 में क्या होने वाला है? बहन जी आएंगी। सिर्फ बहन जी? जी सिर्फ बहन जी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले परम पूज्य बाबा साहब के जन्मदिन पर शुभकामनाएं आप लोगों को, आने की विचारधारा आपके चैनल से हमारे जा रहा है इसके लिए धन्यवाद। नाम क्या चाचा आपका? हमारा नाम है राणा प्रताप सिद्धार्थ। कहाँ पर रहते हैं? बारा जिले के रहने वाले हैं। देखिए कितनी कितनी दूर से लोग आए हुए हैं आज बाबा साहब के जन्मदिन पे। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो कोर वोटर था मायावती जी का, वो सबसे पहले बताइए, सबसे बड़े लीडर आप किसको मानते हैं? सबसे बड़े लीडर हमारे पार्टी के, हमारे समाज के, हमारे जो बहुजन गरीब का पार्टी के मायावती जी बहन जी हैं। और सबसे जो है धाकड़ी नेता कानून व्यवस्था और जो है सबको रोजगार देने के लिए बहुजन समाज पार्टी ही विकल्प है इस इंडिया का। बाकी जो है संविधान को बचाने के लिए, संविधान पूर्ण रूप से लागू करने के लिए ही ये बहुजन समाज पार्टी तत्पर है, अन्यथा कोई पार्टी इसके अलावा कर नहीं सकती है। अच्छा, क्या जो 2022 के चुनाव की बात करें, माना जाता है कि जो मायावती जी का जो कोर वोटर था वो किसी और पार्टी में शिफ्ट हुआ, क्या ऐसा है या नहीं है? नहीं, देखिए सर, पार्टी का हमारा कैडर आई वोट है वो मानवर जी के जमाने से ही चला आ रहा है। बाकी देखिए विशेष बात यह है कि ईवीएम मशीन जब तक रहेगी तब तक हमारा वोट परसेंटेज नहीं बढ़ेगा। अगर हिम्मत हो तो ये बैलेट बॉक्स से करावें और ईवीएम को हटा दीजिए। ईवीएम जब तक रहेगी तब तक हमारा परसेंटेज जो है नहीं बढ़ेगा। जहां ईवीएम हटेगी वैसे हमारा परसेंटेज जो है वोट का बढ़ना चालू होगा। इसका जीता जागता वह उदाहरण 7 का है, प्लस और जितने पिछले इलेक्शन हुए हैं सारे जो है इलेक्शन में हमारा वोट का परसेंटेज बहुजन समाज पार्टी का बढ़ता हुआ नजर आया है। अच्छा, एक बात बता रहे, ईवीएम को क्यों दोषी मान रहे हैं? ईवीएम को इसलिए दोषी मान रहे हैं कि ईवीएम एक मशीन है, वो जो है तत्पर वोट और विश्वसनीय वोट उससे नहीं पड़ सकता है, क्योंकि विदेशों में जो बनाया वो अपने देश में यूज नहीं कर रहा। यहाँ इंडिया में चूतिया बनाने के लिए जो है मशीन लाई गई है। जब तक ये मशीन हम लोग फोड़ेंगे, 2024 के 2-3 महीने पहले ईवीएम फोड़ा नहीं जाएगा तब तक ये ईवीएम हटेगी नहीं। हम ईवीएम को हटाएंगे, अपना लोकतंत्र बचाएंगे, संविधान बचाएंगे और हमारा गरीबी दूर होगा। जब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, हमारा लोकतंत्र रहेगा, तो हम लोग जो है अपना विकास संविधान को आगे ले जा सकते हैं। अन्यथा कोई विकल्प नहीं है, बहुजन समाज पार्टी ही एक विकल्प है। मैं सेक्टर अध्यक्ष बटलर पैलेस लखनऊ का अध्यक्ष हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक युवा भी हैं, आपका क्या नाम है? सुधीर कुमार कन्होजिया, मैं गोंडा का रहने वाला हूँ। गोंडा से आए हैं, कितने लोग आप लोग आए हुए हैं? हम 5-6 लोग आए हुए हैं। 5-6 लोग लगभग है। अच्छा, एक बात कर ले, आप लोग युवा हैं ठीक है, और मायावती जी सबसे बड़ी नेता दलितों की रही हैं, और लगभग हम बता दें कि 22 का चुनाव रहा उसमें सबने देखा, सब जग जाहिर है, 2014 का भी चुनाव सबने देखा, जग जाहिर है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा है ईवीएम, इसमें ईवीएम की गड़बड़ी है और जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब लाठी किसकी है? लाठी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की है, नरेंद्र मोदी जी का बात कर जी। वो लाठी कौन सी है? अब वो लाठी है, अब बाकी तो उनकी भैंस है समझ लीजिए लोग। लाठी कौन सी है? जी नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, और जो भैंस है वो कहाँ है? ये जो बाकी के नेता है नीचे के, उनके वो सब भैंस हैं। अच्छा, क्यों मानते हैं ईवीएम को दोषी क्यों मान रहे हैं? ईवीएम को दोषी इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जहाँ पे हम लोगों का इतना बहुजन वोट है, जो भी जाता है सब बहन जी पे जाता है, उसके बाद हम लोगों की सीटें नहीं आ रही, इसका दिक्कत यही तो है, मतलब यही प्रॉब्लम है। तो आपकी सबसे बड़े जो लीडर हैं वो मायावती जी? मायावती जी हैं, दूसरे पे चंद्रशेखर भैया जी आ रहे हैं हमारे साथ, इसके बाद मायावती जी के बाद चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के। अच्छा, या तो चंद्रशेखर रावण या फिर मायावती जी? जब तक मायावती लड़ेंगी उनके साथ हैं हम, उसके बाद हमारा नया चेहरा उभर के आ रहा है सामने, चंद्रशेखर आजाद भैया, आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष। अच्छा, एक बात कर ले, युवाओं के क्या मुद्दे हैं इस बार? चुनाव होने वाला है 24 में लोकसभा, अभी निकाय चुनाव है, चुनाव में अभी यहाँ जल्दी में मुख्यमंत्री आवास पे धरना प्रदर्शन हुआ था, जो पेपर लीक हुआ था, जो भी है, हम वो हमारे सामने, हम भी गए थे वहाँ पे, उठा के उनको जेल में डाल दिया गया,
जो भी हैं आए थे, जो शिक्षक की भर्ती पे दिए थे, टेट की परीक्षा दिए थे, पास हुए थे, पेपर लीक हुआ, क्या हुआ, अब वो मतलब मौजूदा सरकार से नाराजगी है। नाराजगी है जी। तो बात कर ले, आप लोग का नाम क्या है? विजय कुमार। कहाँ से आए हुए? हम आए जिला बाराबंकी। बाराबंकी से आए हुए। हम सबसे बात कर रहे हैं, 24 में चुनाव है और अभी निकाय चुनाव है, दोनों में मुद्दे क्या होने वाले और सबसे बड़ा लीडर आपका कौन? हमारे बहन जी है। बहन जी है। 22 के चुनाव में तो सब जानते हैं क्या हुआ है, काहे हो रहा है सर? अब ये तो जनता के ऊपर ही रहते हैं, जनता के ऊपर है। 24 में क्या करने वाले हैं? 24 में क्या करने वाले हैं? 24 हम तो सपोर्ट पूरा दे ही रहे हैं बहन जी को। बहन जी को ही। अच्छा, आपका भी नाम जाले, आपका नाम क्या है? जी आरती। आप भी बाराबंकी से हैं। अच्छा, किसको सपोर्ट करने वाली 24 में? हम तो बहन जी को करेंगे। बहन जी को। आपका नाम? हमारी फेवरेट बहन जी। फेवरेट बहन जी। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम राम। आप कहाँ से आए हुए हैं? मलियाबाद से आए। मलियाबाद से। हम सभी से बात कर रहे हैं, आज तो एक जयंती है, सबसे बड़ा पर्व है आप लोग का, सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूसरा, निकाय चुनाव के साथ साथ 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। ये जो वोट बैंक है, जो दलित वोट बैंक था, जो मायावती जी का खुला सपोर्टर था, वो 22 में शिफ्ट हुआ, क्यों शिफ्ट हुआ इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ये हमें लगता है जो बिकाऊ मीडिया है, इसने जो गलत प्रचार करके जो है जनता को भ्रमित कर दिया कि बहन जी ने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया है या किसी से गठबंधन कर लिया है, इसलिए जो है जनता भ्रमित हो गई। मीडिया को बिकाऊ मान जी, आप लोगों तो को अच्छा दिखाते हैं, लेकिन जो टीवी वाली जो मीडिया है, इलेक्ट्रिक मीडिया है, मेन मीडिया, वो कौन कौन से ऐसे कौन कौन से चैनल मानते हैं? सारे चैनल, जैसे आज तक है, एबीपी न्यूज है, और कई चैनल हैं, हमने जो देखा है हरदम जो है बीजेपी का ही गुड़गाया करते हैं। मतलब जो गलत प्रचार हुआ इस वजह से वोट शिफ्ट हुए? हाँ, ये बिल्कुल प्रचार हो, हम लोग भी यही टीवी पर दिखा रहे थे कि मायावती ने बीजेपी को समर्थन दे दिया है, राष्ट्रपति का पद दे दिया गया है मायावती जी को, बीजेपी ने दिया है, तो जनता भ्रमित हो गई। तो आपने भी क्या शिफ्ट हुआ था आपका वोट? जी नहीं, हम लोग कभी भी शिफ्ट नहीं हुआ। समझदार वोटर है वो मायावती जी के साथ? हाँ, वो हमेशा था, वो हमेशा रहेगा। वो समझदार वोटर था, वो मायावती जी के साथ था और हमेशा रहेगा। लोगों से लगातार हम बात कर रहे हैं, आज भीमराव अम्बेडकर जयंती है, अम्बेडकर पार्क के अंदर हैं, सभी से बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो भीमराव अम्बेडकर जयंती है ये मना रहे हैं, और साथ ही साथ 2022 के चुनाव में जो हुआ और जो 2014 के चुनाव में हुआ, जो वोट बैंक शिफ्ट होने की बात हो रही थी, वो वोट बैंक शिफ्ट होने को लेकर के हमने सभी से बात की। 2024 में साफ बता रहे हैं लोग कि हम सपोर्ट करेंगे मायावती जी को, लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि क्या कुछ होने वाला है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क सब्सक्राइब कर दे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके